ऑनलाइन फेक वेबसाइट से हो रही ठगी का शिकार धर्मपुर कॉलोनी पिंजौर का अभिषेक भी ठगी का शिकार बना। पंचकुला में दी ऑनलाइन शिकायत, पिंजौर पुलिस ने नहीं ली शिकायत। पिंजौर और कालका में इन दिनों ऑनलाइन फेक वेबसाइट से कई लोगों के साथ हजारों रुपये की ठगी हो चुकी है और इस तरह के दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह का एक और मामला धर्मपुर कॉलोनी पिंजौर में आया, जिसमें अभिषेक से एक फेक कंपनी ने उससे करीब 15,000 रुपयों की ठगी कर ली, लेकिन पिंजौर पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया। धर्मपुर कॉलोनी निवासी अभिषेक ने बजाज कंपनी से 2 लाख रुपयों के लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो कंपनी के एजेंट ने ऑनलाइन बताया कि 3250 रुपये गूगल ऐप से जमा करवाने होंगे। गत 13 जुलाई को अभिषेक के पास फ़ोन आया कि आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा और कहा कि लोन अप्रूव हो गया है, थोड़ी देर बाद खाते में 2 लाख रुपये आ जाएंगे, लेकिन खाते में 12,000 रुपये 600 रुपये और जमा कराने होंगे उनके अकाउंट में, तो वो रकम अभिषेक ने भर दी। अभिषेक के पास तीसरी बार फिर फ़ोन आया कि 18,600 रुपये और जमा कराने होंगे और ये रकम GST के नाम की है और ये सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। बाद में अभिषेक ने कहा कि उनका लोन कैंसिल कर दो, लेकिन लोन कैंसिल नहीं किया गया, ना ही रकम दी हुई वापस हुई। जिसके बाद अभिषेक ने कालका में बजाज फाइनेंस कंपनी के पास पहुँचे, जहाँ पर उसे बताया गया कि यह वेबसाइट फेक है। उसके बाद पिंजौर पुलिस को इसकी लिखित शिकायत वीरवार की दोपहर को दी गई। अभिषेक ने बताया कि पुलिस ने बताया कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। जिसके बाद अभिषेक ने इसकी लिखित शिकायत पंचकुला में ऑनलाइन की है। इन दिनों ऑनलाइन फेक आईडी से कई लोगों के लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। ऑनलाइन वेबसाइट से हो रही इन धोखाधड़ी से हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन को भी कड़े कदम उठाने होंगे, अन्यथा लोग यूं ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे। हाँ जी सर, फिर क्या बनाया आपने? मैं बोल रहा था आपको मेरा कैंसिल करके मेरा अमाउंट वापस करवा दो। वापस यहाँ से नहीं होगा सर, बैलेंस आपका ट्रांसफर हो चुका है, अब वाइपर का 4500 पेमेंट करके अपना बैलेंस कर दीजिए आप। सर अब तो कम कर ही जा रहे हैं, तो ये तो बता दो ना सर कि अगर आपने जैसे अप्लाई करने के लिए था उसके बाद कैंसिल करने का तो कोई ऑप्शन होगा? हेलो हेलो सर, ये बताइए कब पेमेंट करेंगे या नहीं? मैं बोल रहा कैंसिल करना, मुझे मेरा पेमेंट वापस करवाओ। ये कल कॉल कीजिए टुमारो सर 9 बजे। 9 बजे मैंने कैशबिन बजाज फाइनेंस के नाम से एक ऐप थी, उसके ऊपर अपना एक लोन अमाउंट डाला 2 लाख का, तो उनका 11 तारीख को मैंने ये अप्रूवल डाली थी, तो उनका 13 तारीख को सुबह 10 बजे भी मेरे पास फ़ोन आया कि आपका लोन अप्रूवल हो चुका है, आप अपने डॉक्यूमेंट हमारे पास सेंड करें। तो मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड उनको सेंड किया, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद एक एजेंट का फ़ोन आता है जिसका नाम सचिन कुमार था, वो बोलता है कि आपको का अप्रूवल हो चुका है, आपको 3250 रुपये आपको पहले पे करने पड़ेंगे। तो मैंने उसको 3250 रुपये गूगल पे के द्वारा दे दिए। तो थोड़ी देर के बाद फिर एक OTP आता है, तो उसके बीच में लिखा हुआ आता है कि आपको के अकाउंट के बीच में 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं और मगर किसी वजह से रुक गए हैं, आपको मगर 12,600 रुपये और जमा करवाने पड़ेंगे। फिर मैंने 12,600 रुपये और जमा करवाए, तो अब थर्ड फिर द्वारा उनका एक और मैसेज आता है कि आपका अकाउंट के बीच में फिर रुक गए हैं पैसे, क्योंकि आपने GST पे नहीं कर रखा, GST के 18,600 रुपये आपको और पे करने पड़ेंगे। अब मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ कि मेरे को मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे को ये लोन नहीं करवाना, तो फिर वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है मगर फ़ोन मेरा रिसीव कर रहा है। तो कालका में गए थे बजाज, तो बजाज फाइनेंस के बीच में मैंने कालका के बीच में उनके ऑफिस में बात की है, तो वो बोल रहे हैं टोटली फेक है और आपके साथ धोखा हुआ है, ये हमारी तरफ से कोई भी नहीं है, बजाज फाइनेंस की कोई ऐप नहीं है, ये फेक ऐप है।